स्टील? हाँ जी। और जी स्टील नहीं बना था, वो खाने का बर्तन था, आप बर्तन समेट खाना खा गए, स्टील वाला बर्तन। अच्छा, मैं प्लेट समेत खाना खा गया। प्लेट खाना आ, जो प्लेट वो स्टील की बनी थी वो खा गए आप। और चाइनीज तो उससे भी बदला मुझे। क्यों जी? चाइनीज में क्या हो रहा था कि चाइनीज में ना वो शेजवान सोफा चाइनीज राइस मैंने जिंदगी में पहली बार खाया जी। अरे भाई साहब, वो सोफा शेजवान नहीं था, शेजवान सोफे पर गिरा था, आप शेजवान को सोफे समेत खा गए। अच्छा, तभी मैं सोचूं आयरन मैंने में इतना ज्यादा क्यों हुआ पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। कल मैं सूप पी रहा था, उसमें भी बड़ी तकलीफ हुई जी। सूप पीने में? हाँ जी, सूप पीने में, उसमें ना नमक ही नमक का, टमाटर था ही नहीं। ओ जी गेल पाजी, वो सूप नहीं था, समुद्र पी गए आप। मैं तभी कहूँ बोल क्यों नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन है सहबाग जी। मैं ना कल ग्लास में पानी पीने की कोशिश कर रहा था, लोग नाराज हो गए। क्यों? कहते ग्लास नहीं कुआं है जिसको तू उखाड़ रहा है। भाई कमाल जी, वेरी गुड टू सी यू। ये आप जो कर रहे हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप मटर्निटी लीव लेकर आए? मटर्निटी मेरा बैट है जी। अच्छा जी, बेबी बैट है। बेबी बैट है या बड़ा होकर क्या बनेगा? ये बैटर बनेगा। और बैटर बनेगा? हाँ जी। चलिए मैच की बात करते हैं। मैच की बात करेंगे सर, लेकिन यहाँ पर एक लकी विनर है। एक लकी विनर है जिसको मौका मिला है यहाँ पर इस शो में फोन करने का। He's a winner of a Jio wonderful contest and he has a chance here to ask a question. और वो सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, कौन है भाई फोन पे, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं आपका नाम बताइए। सुरजीत बोल रहा हूँ सर। सुरजीत जी कैसे हैं आप? हाँ सर मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक है सर? हम बहुत बढ़िया है, मुबारक हो, आप बहुत अच्छे तरीके से खेले, आपने कॉन्टेस्ट जीता तो आपको मौका मिला यहाँ पर शो पे बात करने का। यहाँ पर क्रिस बेल है और उनके साथ है वीरेंद्र सहवाग, तो जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। सर मेरा वीरेंद्र सहवाग सर का एक ही सवाल है जी। जो मेरा पहला सवाल, आईपीएल में अभी तक बेस्ट बॉलिंग फीवर कौन है? आईपीएल में बेस्ट बॉलिंग किंग्स इलेवन पंजाब के अंकित राजपूत, 14 रन देकर 5 विकेट। मतलब अंकित राजपूत कह रहे हैं भाई, आपको सवाल पूछा गया था, आप तो क्विज कर रहे हैं इनको। हाँ सर, मैं तो सवाल पूछा ना। हाँ, आईपीएल में अभी तक बेस्ट बॉलिंग कीपर कौन है? चलिए आपने नहीं जवाब सुना तो रूपा जी फिर से बोल दीजिए। अंकित राजपूत। राजपूत, अंकित राजपूत किंग्स इलेवन पंजाब के हैं, 5 विकेट लिए उन्होंने 14 रन देकर हैदराबाद के खिलाफ। चलिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, वेल डन बॉडी, वेल डन। और मैं बता दूं कि नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं थी, इन्हीं की आवाज अटक रही थी बीच बीच में, ऐसा था जी। हाँ जी जी, पर आप लोग खेलते रहिए कॉन्टेस्ट, यू हैव अ चांस टू विन मेनी मेनी मोर प्राइजेस, और साथ में यहाँ पर आप फोन भी कर सकते हैं एंड हैव अ चैट विद वीरूपा जी एंड ऑल आवर वंडरफुल टैलेंट ऑन द शो। समर इज किक्ड इन एंड वी हैव अ इलेक्ट्रॉनिक पार्टनर हु हैज मेड एसी बाइंग इजी फॉर एवरीवन। All you have to do is just walk into any Reliance Digital store and pick up an AC for ₹1. Also get cash back on finance. Say bye bye to the summer heat with Reliance Digital. देखिए दूसरी इनिंग्स शुरू होने वाली है और वाकई कहना पड़ेगा कि हैदराबाद अब कौन आ गया सर, कौन है? हेलो साहब, हेलो साहब, हेलो, हेलो, हाय, पहचाना मेरे को? नहीं, क्या क्या, कौन है आप? अरे मेरे को क्या पूछते हैं, उनको पूछो ना, सहवाग जी बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे को, पहचाना? मैंने देखा आपको पहले कहीं। अरे भूल गए, मैं जियो धनधनानंदन लाइफ की बाई हूँ, क्वीन एलिजाबेथ। ओ ओ ओ ओ ओ, आप हैं जी? आप लोग बात करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करेगी, मैं सिर्फ सफाई करने आई है इधर। अच्छा, बात करो। वो मतलब शो के बाद भी कर सकते थे ना, मतलब कि सफाई, जब शो लाइव शो चल रहा है उसके बीच में आपको सफाई करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छी काम पे, मेरे को जॉब से निकाल रहे थे इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा आपको दिखा दूं काम, साफ सफाई अच्छा लगेगा तो घर बुलाना। आप बात करो, मैं डिस्टर्ब। और सफाई से काम करना पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद को टोटल जीतने के लिए। भाई सीएसके ने वो 2 पॉइंट कमा लिए हैं और टॉप ऑफ द टेबल सनराइजर्स भी ये पॉइंट गेम जीत ले, 2 पॉइंट कमा ले और हम भी उनको टक्कर। बट हैदराबाद से ज्यादा जरूरी 2 पॉइंट हैं दिल्ली के लिए जी। अगर वो जीतते हैं तो शायद वो भी गेम में बने रहेंगे, वो भी शायद किसी और को अपसेट कर सकते हैं जो। हाँ जी जी,
दिल्ली दिल्ली भी अगर जीती तो 2 पॉइंट उनके लिए बहुत क्रूशियल होंगे, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो फिर वो आने वाले ओवरों को भी अपसेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी साफ सफाई हो रही है सेट पे वाले टॉकिंग अबाउट द गेम। मिडिल ऑर्डर जो है सनराइजर्स हैदराबाद का नॉट बीन टेस्टेड सो फार टिल नाउ। वहां पर शाकिब है, यूसुफ है, दो बड़े खिलाड़ी, ठीक है, जिनको भी साफ सफाई बहुत जरूरी होती है और सफाई से काम करना पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद को टोटल जीतने के लिए। भाई सीएसके ने वो 2 पॉइंट कमा ली है और दे टॉप ऑफ द टेबल। सनराइजर्स हैदराबाद कह रहा होगा कि भाई हम भी ये पॉइंट गेम जीत लें, 2 पॉइंट कमा ले और अभी उनको टक्कर दे ऊपर जाके। हाँ, बट हैदराबाद से ज्यादा जरूरी 2 पॉइंट है दिल्ली के लिए जी। अगर वो जीतते हैं तो शायद वो भी गेम में बने रहेंगे, वो भी शायद किसी और को अपसेट कर सकते हैं जो। हाँ जी जी, दिल्ली दिल्ली भी अगर जीती तो 2 पॉइंट उनके लिए बहुत क्रूशियल होंगे, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो फिर वो आने वाले ओवरों को भी अपसेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी साफ सफाई हो रही है सेट पे वाले टॉकिंग अबाउट द गेम। मिडिल ऑर्डर जो है सनराइजर्स हैदराबाद का नॉट बीन टेस्टेड सो फार टिल नाउ। वहां पर शाकिब है, यूसुफ है, दो बड़े खिलाड़ी, शायद पुट टू टेस्ट टुडे। बिल्कुल, टेस्ट सभी का होने वाला है, जैसा नहीं है। अगर दिल्ली को मुकाबला जीतना है तो उनके जो दो बल्लेबाज है, मुझे लगता है कि केन विलियमसन और मनीष पांडे, ये जो दो है, अगर इनको जल्दी आउट कर लिया तो फिर आसान हो सकती है उनके लिए। हालांकि शाकिब और यूसुफ पठान है जरूर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जब वो चेज करते हैं तो इतना इफेक्टिव होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। और एलेक्स हेल्स भी जो है उनके बारे में मेंशन करना पड़ेगा। वीरू बाजी वाले ट्राइंग टू टॉप क्रिकेट इन द मिडल, व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ एलेक्स हेल्स के बारे में, द काइंड ऑफ फॉर्म इज इन जी। अच्छे खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के हैं, मेरे साथ एक दो लीग में भी रिसेंटली खेले थे, लेकिन उनके लिए पहला साल है ये जी। पहला साल है उनका आईपीएल में, शायद दूसरा तीसरा ही मुकाबला खेल रहे हैं, थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर भी होगा। बट अभी तक जो दो, मुझे जो लगता है जो दो खिलाड़ी जो जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं वो विलियमसन और मनीष पांडे जी। जी वैसे हमारे कपड़े काफी साफ हैं और वेयर ऑल राइट, अगर आपको सेट को साफ करना है तो जी। तो यहाँ पर दूसरी प्रेडिक्शन की बात करते हैं भाई। मैक्सवेल का तो भाई अनफॉर्चुनेट हो गया थोड़ा सा कि जिस तरीके से रन आउट हो गए, पर 163 रन्स ऑन द बोर्ड। दूसरी कोई प्रेडिक्शन देना चाहेंगे इस अभी हाफ वे इनटू द गेम, क्या करना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी भी दिल्ली के साथ हूँ, मुझे लगता है कि आज दिल्ली जीतेगी। दिल्ली जीतेगी आज, जीतना भी पड़ेगा जिस तरीके की सिचुएशन वो टूर्नामेंट के अंदर है। दिस विल अप द फैंस, जो फिरोजशाह कोटला में इतने सालों से लोग आ रहे हैं और इस टीम को फेल होते हुए देख रहे हैं, दे वांट दिस टीम टू विन। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो उम्मीद करूंगा कि सर मेरे को एक कंप्लेंट है। आपको एक है, मुझे 100 है। मेरे को एक ही है। बोलिए। जियो वाले ने मेरे को बोला मेरे को काम पे नहीं रखना, काम तो मैं करती नहीं, फिर कहते यहाँ पे कल से काम पे नहीं आने, मेरे को जॉब से निकाल दिया। अच्छा अच्छा, इतनी छोटी कौन है इसको इतना साफ किया, साफ नहीं हो रहा है। आपके पास औजार तो सही हैं, तो आप ट्राई करते रहिए इनको साफ करने के लिए। ये हमारे नकली क्रिस गेल, क्रिस रेल है हमारे, इनको तो मैं 2 मिनट में साफ कर दूंगी। जी साफ करिए इनको आप। ये देखिए हाथों की सफाई। ओ अच्छा, ये सब ही करती हैं आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसलिए आपको जॉब नहीं रखा। ओके, तो आप इनकी घड़ी लेकर चली गई। पर डिफाइंग लॉज ऑफ ग्रेविटी, हवा में जो कैचेस ले रहे हैं, जैसे ये कैच पकड़ते, देखिए ये, देखिए ये आपने, वेल ट्राइड बेल, वेल ट्राइड बेल, बट ये जो कैचिंग हो रही है, फील्डिंग हो रही है, नेक्स्ट लेवल नाउ। बिल्कुल, और हर टीम प्रैक्टिस करती है कि जो बाउंड्री पर कैचेस लिए जाते हैं फिर वो बाहर जाकर वापस आकर पकड़ते हैं, वो सबकी प्रैक्टिस होती है। मेरी टीम भी काफ़ी प्रैक्टिस करती है, ये भाई कभी नहीं करते, कभी नहीं आते ना। इनका सिर्फ काम है नेट में बैटिंग करना और मसाज लेना। जी मसाज लेना, बाकी सब लोग, हम लोग काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं फील्डिंग पर और सभी खिलाड़ी, इवन इंक्लूडिंग युवराज सिंह। तो शायद वो स्टैंडर्ड तो ऊपर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो कहते हैं कैचेस विन मैचेस, वो ऐसे ही नहीं कहा गया कि जबरदस्त कैचेस पकड़े तभी शायद टीमों ने मैचेस भी जीते।